मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, और आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। तो सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने, और टाइम हो रहा है करीब 6:30 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं, क्योंकि आकर्षित आज स्कूल गए नहीं थे, तो उसी टाइम पे मतलब टाइम से पहले ही जागने की आदत है, स्कूल गए नहीं थे, तो मैंने सोचा वो टाइम मैं अपने यूज़ में ले लूँ, वरना क्या रहता है ना कि 1.5 घंटा तो मुझे आकर्षित को देने ही होते हैं इनका लंच बनाने में, इनका मतलब सवेरे का जो रूटीन रहता है ना बच्चे को स्कूल भेजने का, उसमें मैं इंगेज हो जाती हूँ। तो आज मैं फ्री थी तो मैंने सोचा चलो ये टाइम मैं अपने लिए यूज़ कर लेती हूँ, और अपने लिए भी क्या, ये तो मेरे घर की गृहस्थी के कामों के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ इस काम टाइम को। अभी मैं क्या करूँगी, मैंने कल कपड़े वॉश किए हुए थे, कल किए हुए थे, और बारिश इतनी ज़्यादा लगी हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है, तो कल तो मौका नहीं मिला क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी, कपड़े कहाँ फैलाती, मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था कपड़े फैलाने के लिए, तो मैंने बकेट में ही भर के कपड़ों को ऐसे ही रख दिया था। और फिर मैंने सोचा चलो आज मौसम अभी खुला है थोड़ा सा, हालांकि आप देख सकते हैं बालकनी में नीचे फर्श पूरा गीला है, पानी भरा हुआ है, तो बारिश तो पूरी रात रही, पूरा दिन रही, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। अच्छा, इधर करीब 10 दिनों से कंटिन्यू बारिश हुए जा रही है, बीच में 2-3 दिन को बारिश बंद हुई थी, लेकिन अब फिर से बारिश कंटिन्यू है, होती जा रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो मैं मशीन में गंदे कपड़े जो भरकर रख देती हूँ ना, तो गंदे कपड़े निकाल लूँगी, और इसमें मैं जो कपड़े वॉश किए हुए हैं उनको ड्रायर होने के लिए डाल दूँगी, कपड़े ड्रायर हो जाएंगे ना, तो आज हवा बहुत तेज़ है, बारिश रुकी हुई है, तो तेज़ हवा में ना 2 घंटे में कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े ड्रायर होने दूँगी। तब तक साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये जो पानी बरसा हुआ है ना, तो फर्श पूरा गीला है, और गीले फर्श की वजह से अंदर जितनी बार जाएंगे रूम वगैरह में तो सब गीला होता रहेगा, क्योंकि जितने भी फूट मैट वगैरह है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे घर में ही नहीं, आपके भी घर में यही हो रहा होगा, सारे फूट मैट, डोर मैट सारे गीले पड़े हैं, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मैं ये दरवाज़ों के बाहर हमेशा डोर मैट डाल के रखती हूँ, वो सारे तो गीले हो गए थे बारिश की वजह से, और रात में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं उसको अंदर कर लेती, तो वो भीगते ना, सारे डोर मैट मेरे भीग गए। तो अभी यहाँ पर मैं पूरा पानी वाइपर कर लूँगी अच्छे से, जिससे ना बाहर पानी ना रह जाए, क्योंकि फिर अंदर गीला हो जाएगा। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, सबसे पहले यहाँ पर मैं मशीन में कपड़े ड्रायर करने के लिए आ गई थी, तो अभी झाड़ू वगैरह नहीं निकाली है मैंने घर की, और कपड़े ड्रायर हो चुके हैं, तो मैं जाऊँगी टेरेस में कपड़े फहरा दूँगी। बारिश रुकी हुई है, अब जब तक रुकी हुई है तब तक तो मेरे कपड़े हवा भी लग जाएंगे, सूख भी जाएंगे। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, जो मेरे मतलब मायके के भी हैं, ससुराल के भी हैं, मेरे रिश्तेदारों में भी हैं, तो काफ़ी लोग हैं जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। और अभी मैं आपको बताऊं, जो परिवार वगैरह में ना काफ़ी मतलब हम अगर सही भी हैं तो भी मतलब कोई ना कोई कमी निकाली जाएगी, और कमी है तो कमी निकाली ही जाएगी, और अच्छी चीज़ों में भी कमी निकाली जाएगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये जो घर के काम होते हैं, ठीक है, मैं अपने घर के पूरे काम करती हूँ, अब करने लगी हूँ, पहले तो नहीं करती थी, पहले तो हमेशा से मेरे पास में हाउस हेल्पर थी, बट फिर मुझको पता नहीं क्यों, जैसे मेरा मन नहीं भरता था, तो मुझको लगा कि मुझे अपने घर के काम है ना खुद से करने चाहिए, और जब मैंने करना शुरू किया ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं अपने सारे घर के काम खुद से करने लगी। और इससे क्या हो जाता है, पूरे दिन थोड़ा मैं बिज़ी भी रहती हूँ, और थोड़ा खुद में एक्टिव भी रहती हूँ, क्योंकि शरीर भी ख़राब हो जाता है ना अगर आप बैठे रहिए तो, जैसे लोहा एक जगह पड़ा रहता है ना तो जंग खा जाता है, वैसी हमारी बॉडी भी होती है। तो मेरे घर के जितने भी काम हैं, तो मुझे घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने हिसाब से घर को सजाना, अपने तौर तरीक़ों से घर में रहना, घर की साफ़ सफाई करना, अपने घर को अपने हाथों से सजा कर रखना, तो एक जो संतुष्टि होती है ना, तो वो हाउस हेल्पर के हाथों से नहीं मिलती है, वो हमें खुद से ही मिलती है, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं ना क्योंकि परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, लोग हैं, तो बातें जितने मुँह उतनी बातें, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात जो रहती है ना कि घर का काम करना कोई गलत बात नहीं होती है, और हर किसी के पास में हाउस हेल्पर भी नहीं होती है, तो यहाँ पर अब मुझे अपने घर के कामों को करने में कोई भी कमी नहीं, मतलब कुछ भी बुरा नहीं लगता है, बस मैं अपने घर के काम
काम बहुत खुशी खुशी करती हूँ, इससे ना मेरा मन संतुष्ट रहता है। क्या चीज़ कहाँ पर रखी है, घर का कौन सा कोना गंदा है, कहाँ सफाई होनी है, कहाँ जाले लगे हैं, कहाँ धूल मिट्टी बैठी है, तो मेरे मन में एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैं अपने घर को बहुत अच्छे से सजा रही हूँ, संवार रही हूँ, साफ़ सुथरा रख रही हूँ। और इसमें कोई भी बुराई नहीं है, एक हाउस वाइफ की ये ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है अपने घर को सरीखे से सजा कर रखना। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर मैं सोफे की कवर वगैरह सेट करके यहाँ की झाड़ू भी निकालने लग गई हूँ। झाड़ू निकाल लूँगी पूरे घर की। और मुझे अब आज कौन सा दिन चल रहा है, मतलब मेरे 26 तारीख से नवरात्र है ना, आज हो गई है 22 तारीख। तो अब मैंने किचन की क्लीनिंग मुझे करनी थी ना, तो मैंने उसको रोक दिया था, क्योंकि नवरात्र में ना किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, गैस वगैरह भी धुलना चाहिए, गैस इसको मतलब पूरे किचन की धुलाई होनी चाहिए नवरात्र से एक दिन पहले। तो मैंने ये काम फिर इधर डिले कर दिया था कि अब नवरात्र में मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, और नवरात्र के बाद में करवा चौथ और फिर दिवाली, सारे फेस्टिव सीज़न आ चुके हैं। अब फेस्टिव सीज़न आ चुका है तो अब त्यौहार ही त्यौहार हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी ना, किचन नवरात्र के एक दिन पहले साफ़ कर लूँगी ना, तो किचन की हेडक ख़त्म हो जाएगी, और तो इसी बहाने दिवाली वाली जो क्लीनिंग रहेगी किचन की वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके एक एक रूम और सारा कुछ मैं साफ़ भी करती जाऊँगी, क्योंकि अब क्लीनिंग वाला टाइम आ गया है। और आजकल ना हर हाउस वाइफ अपने घर की साफ़ सफाई और कामों में बिजी रहेंगी, पहले तो नवरात्र के लिए क्लीनिंग करो, उसके बाद दिवाली के लिए क्लीनिंग करो। क्लीनिंग तो करनी करनी पड़ेगी, और वैसे भी हर रोज़ क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर मैं अभी पूरे घर की झाड़ू निकाल ले रही हूँ। सारे काम हो चुके हैं, और झाड़ू पोछा करने के बाद में मैं नहा धोकर आ गई थी। और आज दिन बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को मैं पूजा करती हूँ। पूजा तो डेली ही करती हूँ, पर मैं डे के अकॉर्डिंग भी पूजा करती रहती हूँ। जिस दिन जिस देवता का दिन पड़ता है, मैं उस दिन उसी तरह से पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर ये केले का पेड़ लगाया हुआ है मैंने घर में, तो इसमें मैं जल चढ़ा दूँगी, और उसके बाद इसमें चंदन से ओम बनाऊँगी, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाऊँगी, मतलब भोग दूँगी, और बस घी दीपक लगा दूंगी और धूप पत्ती लगा दूंगी। और दिन के अकॉर्डिंग ही मेरी हमेशा पूजा रहती है, और अच्छा लगता है। इसी बहाने ना सारे, जैसे क्योंकि सभी लोग किसी अपने अपने इस देवता की पूजा करना पसंद करते हैं, जिसको ज़्यादा मानते हैं उनकी, और डे के अकॉर्डिंग पूजा करने से क्या होता है ना कि इसी तरह से ना सभी दिनों के हिसाब से सभी देवी देवताओं की पूजा भी हो जाती है, चालीसा वगैरह भी हो जाती है। तो बस मैं इसी तरह से कर लेती हूँ, और उसके बाद में तुलसी जी में भी जल दूँगी, शमी के वृक्ष में भी जल दूँगी, और बस अब मंदिर की पूजा कर लूँगी, घर में जो मंदिर बना हुआ है उसमें। तो यहाँ पर देखिए पूजा हो चुकी है, और कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं पिंक ड्रेस में, मेरी दुर्गा मैया कितनी प्यारी लग रही हैं। और बस अब आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बताऊँ, आज मैंने आप लोगों के साथ में कोई भी रेसिपी नहीं शेयर की हुई है। यहाँ पर ये मैंने बनाया हुआ था गाजर मटर का पुलाव, तहरी की तरह ही है, आप तहरी कह सकते हैं, बस इसमें मैंने हल्दी नहीं ऐड किया हुआ है, बाकी ये तहरी की तरह ही मैंने बनाया हुआ है, और अच्छा लग रहा था। इसमें गाजर है, मटर है, और आलू भी है, प्याज भी है, सब कुछ मैंने डाला हुआ है, बस केवल हल्दी नहीं ऐड किया है, बाकी सारे मसाले ऐड किए हुए थे। और साथ ही साथ मैंने बनाया हुआ है बंद गोभी की सब्ज़ी, पत्ता गोभी, बंद गोभी, कैबेज, बंद गोभी, आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई हुई है, क्योंकि आकर्षित को बहुत पसंद है। और
पुलाव बनाया हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं पराठे सेक रही हूँ, क्योंकि इनको पराठे और थोड़ा सा पुलाव दे दूँगी, सब्जी पराठे, और मैं पुलाव खाऊँगी, आकर्षित भी सब्जी पराठे खाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पराठे भी मैं फटाफट से सेक ले रही हूँ। हमेशा मैं ना स्क्वायर शेप के पराठे बनाती हूँ, बट आज मैं ट्राइंगल शेप में पराठे बना रही हूँ। जब मेरा जैसा मन होता है वैसे मैं कर लेती हूँ, लेकिन बहुत ही रेयर होता है जब मैं इस तरह से पराठे बनाऊँ, वरना मुझे स्क्वायर शेप के ही पराठे पसंद है, खाने में भी और बनाने में भी। तो बस आज का जो ब्लॉग है यहीं तक का था, इसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। मेरा मन तो था पर नहीं कर पाई कंटिन्यू, क्योंकि उसके बाद फिर इतनी तेज़ बारिश लग गई, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और आज ना मुझे काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया हुआ, तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो मैं फिर रेस्ट करने चली गई थी। और यहाँ पर मैं इनकी प्लेट लगा ले रही हूँ, सब्ज़ी पराठे इनकी प्लेट में लगा दूँगी और इनको दे दूँगी। अभी आप टाइम देखिएगा कितना हो रहा है, शाम के 4:30 बज रहे हैं और इसके पहले से बारिश हो रही है। मैंने वीडियो तो अब शूट की हुई है, कितनी भयंकर वाली बारिश हो रही है आप देखिए। शैम्पू कोचिंग पढ़ ली मैम, तो आ गई होंगी, जिया पढ़ रही है, अभी शानी पढ़ाने गई है। अच्छा आज का ब्लॉग आप लोगों को किसी भी रीज़न में अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। बारिश बहुत भयंकर वाली हो रही है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी नाम की जो चीज़ है ना काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राधे।